हेलो फ्रेंड्स, हम लोग धम्मपदाना विपासना सेंटर जा रहे हैं और ये जो है ये बोरीवली के पास में है, मुंबई में। और बोरीवली स्टेशन से गोरेई क्रीक बस स्टैंड, और गोरेई क्रीक बस स्टैंड से ये फेरी लेनी पड़ती है, बोट सर्विस लेनी पड़ती है, और इससे ये जो आइलैंड है यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और ये जो आइलैंड है ये गोरेई क्रीक और अरेबियन सी इसके बीच में है, और दो तीनों तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है, और पास में ही एसएल वर्ल्ड है। और अपोजिट साइड में इसके जो है वो नाला से बड़ा ही है, और ये हम लोग पहुँच गए हैं आइलैंड पे। और ये सेंटर है विपासना सेंटर, और ये ग्लोबल विपासना पगोड़ा, उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सेंटर है। और इसके सामने ये विपासना रिसर्च सेंटर है, विशोधन विन्यास। और ये जो है ये धम्म पताना विपासना सेंटर। और ये जो विपासना रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे इसका जो स्थापना है 1985 में हुई थी, और ये मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और इसमें जो विपासना से जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, उस पर रिसर्च किया जाता है। और इसमें न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी, मेडिसिन आदि इन विषयों से जुड़े हुए विपासना के जो प्रभाव होते हैं मनोवैज्ञानिक, उन पर शोध कार्य होते हैं। सेंटर तक जाने का रास्ता है। और ये वॉकिंग के लिए एरिया है, साधकों की वॉकिंग के लिए। और ये रिसेप्शन सेंटर है, यहाँ पे कोर्स की बुकिंग और फॉर्म वॉर्म भरे जाते हैं, और डोनेशन यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। और ये फीमेल एरिया है, और इसके साइड में मेल एरिया है। और ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, और डेली शेड्यूल, डेली टाइम टेबल, और डिपॉजिट्स क्या क्या आइटम करने हैं, उन सब की यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। और ये कोर्स के जो 10 डे कोर्स होता है, शिविर लगता है, उसमें इंडिविजुअल एयर कंडीशन रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये हर फ्लोर पर वाटर डिस्पेंसर है पानी पीने के लिए, मिनरल वाटर के डिस्पेंसर्स है, और इंडिविजुअल एयर कंडीशन रूम्स विद अटैच बाथरूम हर एक साधक को दिए जाते हैं। और टोटल 3 फ्लोर्स हैं, और टोटल जो इसकी कैपेसिटी करीब 100 कैपेसिटी है, 50 मेल्स एंड 50 फीमेल्स। और ये रूम आप देख सकते हैं, अंदर से एक बेडशीट, बेड कवर, और एयर कंडीशन, टेबल, चेयर साधना के लिए, आसन, और ये अटैच बाथरूम है। और थर्ड फ्लोर पे ही मेडिटेशन हॉल है, ये मेडिटेशन हॉल है, और इसकी करीबन 100 कैपेसिटी है, 50 मेल्स एंड 50 फीमेल्स सब यहाँ पे एक साथ बैठ सकते हैं। और ये भी सेंट्रल एयर कंडीशन है, ऊपर ये एयर कंडीशन के डक्ट्स आप देख सकते हैं।
यहीं से जो शून्यागार है उसके लिए थर्ड फ्लोर से ही शून्यागार के लिए भी रास्ता जाता है। उसको दक्षिण पगोड़ा के नाम से भी जाते हैं और इसमें ध्यान के लिए 108 इंडिपेंडेंट सेल्स हैं, छोटे छोटे रूम हैं जिसमें कि ये शून्यागार के लिए रास्ता है। थर्ड फ्लोर से ही है शून्यागार के लिए रास्ता जाता है। और ये शून्यागार के लिए रास्ता है। इसमें दो फ्लोर्स हैं। जो कि शिविर में आए हुए साधकों को अलॉट किए जाते हैं। हर एक साधक को एक इंडिविजुअल रूम दिया जाता है, इंडिविजुअल सेल। और ये जो विद्या है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें शील, समाधि और प्रज्ञा होते हैं। शील का पालन जो है वो अनिवार्य है और इसमें जो मन है वो उसके बिना मन एकाग्र नहीं हो सकता। और उसके बाद आता है समाधि। समाधि में मन एकाग्र होता है और इसमें प्राकृतिक सांस पे ध्यान केंद्रित करके अचेतन और चंचल मन को नियंत्रित करते हैं। और तीसरा स्टेज है प्रज्ञा का, इसमें शरीर में हो रही संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इससे प्रज्ञा जागृत होती है। आत्मनिरीक्षण और अंतर्मुखी होकर स्वयं को शुद्ध करने की यह प्रक्रिया है। तो विपासना साधन के जो दो मूल पहलू हैं वो है अनित्यता और समता। तो शरीर में उत्पन्न और नष्ट होने वाली संवेदनाओं को देखकर साधक अनित्यता के बारे में जागरूक होता है और समता भाव से संवेदना को देखने से जो है इस साधन का मूल पहलू है। और इसमें कुछ पकड़ के नहीं रखना होता, जैसे कि कोई विचार, संवेदना, कल्पना इत्यादि। और ये जो है ये हम लोग बाहर निकला है और ये गुरु जी का निवास है, गोयनका जी का। गोयनका जी और इलायची देवी अपने टाइम में यहाँ पे रहते थे, ये उनका आवास है। और उसके सामने ये ग्लोबल विपासना पगोड़ा का स्ट्रक्चर है, ग्लोबल विपासना पगोड़ा सामने ये आप देख सकते हैं। ये मेन पगोड़ा का अंदर का सेल है और ये मेन पगोड़ा जो है वो शांति, सहिष्णुता और खुशी का प्रतीक है। जो आउटर स्ट्रक्चर है वो म्यांमार के शेडगोंग स्तूप का रिप्लिका है और उस देश के प्रति आभार स्वरूप इसको बनाया गया है और जिसने इतने दिनों तक इस विद्या को संभाल के रखा। और ये जो है सीटिंग कैपेसिटी आप देख सकते हैं अंदर, इसमें 8000 लोग एक साथ करीबन बैठ सकते हैं। और ये अष्टकोण के आकार का पकौड़ा है जो कि अष्टांगिक मार्ग को दर्शाता है। और शिखर पर एक मणि है जो कि धूप में चमकता है और रात में ऑप्टिकल फाइबर की तकनीक से उसको रोशन किया जाता है। और पगोड़ा के आंतरिक भाग में एक के ऊपर एक तीन गुंबद है और जो नीचे की गुंबद है जिसमें अभी हम लोग खड़े हैं ये विशाल ध्यान कक्ष के रूप में इसका उपयोग होता है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी विशाल पत्थरों की गुंबद है जिसमें कोई पिलर नहीं है। और ये 5600 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला है और 85 मीटर जो है इसका डायमीटर है। और फर्श पर बर्मी, साइगोन और टीक लकड़ी का काम किया हुआ है और एक साथ इस कक्ष में करीबन 8000 लोग बैठ सकते हैं। और जो बुद्ध के पवित्र अवशेष हैं वो गुंबद के ऊपरी केंद्रीय भाग में एक कलश के अंदर रखे गए हैं जिसके की फ्लोर से ऊंचाई 30 मीटर से करीब है। और सेंटर में एक की स्टोन रखा है जिसका जो कि काफ़ी टंस में इसका वजन है जो कि स्ट्रक्चर को बैलेंस करता है। और पगोड़ा की टोटल हाइट जो है 30 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है। और इसमें कंस्ट्रक्शन में लाखों टन पत्थर का इस्तेमाल किया गया और इसकी नींव जो है वो बेसमेंट में बेसाल्ट के पत्थरों से भरा गया है। और जो ऊपरी स्ट्रक्चर है वो जोधपुरी बलुआ स्टोन से बनाया गया है जो कि जोधपुर स्टोन्स की उम्र काफ़ी लंबी होती है। और प्रत्येक पत्थर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए तराशा गया है और लेयर बाय लेयर इसका निर्माण किया गया है। और प्रत्येक पत्थर का जो लेयर के साथ साथ जैसे वजन बढ़ता है तो पत्थर
पत्थरों की पकड़ आपस में मजबूत होती है और अधिक स्थिरता और ताकत के लिए चूनी गारा का भी प्रयोग किया गया है। हर पत्थर का वजन जो है करीबन 500 से 700 केजी है और राजस्थान से 1200 किलोमीटर दूर यहाँ से राजस्थान से ये पत्थर ट्रक में लाद के यहाँ पे लाए गए हैं और बड़ी बड़ी मशीनों से काट के तराश करके इनको यहाँ पे लगाया गया है। 1997 में पगोड़ा जो था उसकी आधारशिला रखी गई और 11 साल बाद 2009 में फरवरी में इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया। और जो डिज़ाइन ये पगोड़ा का डिज़ाइन है, ये बुद्ध का ध्यान की स्थिति में उसका प्रतीक है, क्योंकि जब पद्मासन में बैठते हैं तो उनकी ऊंचाई और चौड़ाई लगभग एक समान होती है, तो इस पगोड़ा की भी ऊंचाई और चौड़ाई जो है वो 94.7 मीटर के करीब है। और ये जो हम पगोड़ा के बाहर आ गए, सेल के बाहर आ गए, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये म्यांमार दरवाज़ा है। तो म्यांमार एंट्रेंस से करीबन 850 मीटर दूर एक तोरण द्वार है और ये तोरण द्वार जो है मध्य प्रदेश के सांची स्तूप का मुख्य द्वार की प्रकृति है। और सांची स्तूप जो है 2nd सेंचुरी BC में महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और ये कई स्तूपों में से एक है उनके। और अशोक सम्राट के द्वारा भिक्षुओं को धर्म प्रचार के लिए कई देशों में भेजा गया वहाँ, और उनको जैसे जैसे समय बीतता गया वो जो विद्या धूमिल होती पड़ती गई और भारत में पूरी तरह से विलुप्त हो गई, लेकिन विपाशना ध्यान की एक प्राचीन तकनीक म्यांमार में सुरक्षित रही। और म्यांमार जो द्वार है वो उन्हीं लोगों को समर्पित है जिन्होंने इस विद्या को संभाल के रखा और उनके आदर में इस द्वार का यहाँ पे निर्माण किया गया। ये आप सामने देखते हैं ये म्यांमार द्वार है। ये ग्लोबल पासा पगोड़ा कभी है और ये आर्ट गैलरी है, यहाँ पे उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्रिस्टल है और सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। जब 2500 साल पहले जब बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा था तो जो उनके अनुयायी थे राबजा थे वो आपस में बुद्ध के अवशेषों के लिए लड़ने लगे थे। तब बुद्ध के एक जो शिष्य थे ब्राह्मण द्रोण, उन्होंने अवशेषों को 8 भाग में बांटा और स्थानीय राजाओं को वितरित कर दिया। इन राजाओं ने अपनी अपनी राजधानी में भव्य स्तूप बनाकर बुद्ध के अवशेषों को इसमें स्थापित किया। जो सम्राट अशोक ने पूरे भारत में कई स्तूप बनवाए और जो मूल स्तूप से पवित्र अवशेष निकालकर करीबन 84,000 स्तूपों में उन्होंने वितरित किया। तो बुद्ध के अवशेषों वाली एक राजतित मंजुषा क्रिस्टल कास्केट ब्रिटिश सरकार के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को 1892 में भट्टी प्रोलू आंध्र प्रदेश के स्तूप खंडहरों में मिली थी, जिसे 1920 में भारत के वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को महाबोधि सोसाइटी को उन्होंने दे दिया। और 1997 में इसके कुछ अवशेष ग्लोबल विपासना पगोड़ा में शिलान्यास के समय आचार्य श्री गोयंका जी को दिया गया और जिन्होंने इसे पगोड़ा के प्रथम गुंबद के ऊपरी हिस्से में स्थापित किया था। तो ऐसे जो था वो बुद्ध के अवशेष जो है वो यहाँ पे रखे गए। और जो विपासना जो है वो धम्म प्रकृति के नियम और अंधेरे को दूर करता है, ये जो टेक्निक है। और धम्म सबके लिए है, हर संप्रदाय जाति वर्ण वर्ग के लिए है। और बुद्ध के इस श्लोक में उपदेशों में सर्वभौमिक सर्वजनीन सर्वग्राही उन्होंने इसको बोला है। और विपासना के अभ्यास से जुड़ा पहला चरण है जिसमें सांसों पर ध्यान देना होता है और इसमें सांसों को दृष्टा या साक्षी भाव से जानने का काम करना है और सांस के साथ कोई शब्द रूप आकृति ये सब कुछ नहीं जोड़ना है और सांसों को ये कसरत नहीं है और जैसा है वैसा देखना है, इससे मन शांत और एकाग्र होता है। और दूसरी स्टेज में अपने अंतर मन में अंदर जाकर आप संवेदनाओं को देखना होता है, इससे जो दुख होते हैं उनका जड़ से निवारण होता है।
उपासना जो साधना है इसके दो मूल पहलू है, अनित्यता और समता। शरीर में उत्पन्न और नष्ट होने वाली संवेदनाओं को देखकर साधक अनित्यता के बारे में जागरूक होता है और समता भाव से संवेदना को देखने से इस साधना का मूल सिद्धांत है। और इसमें कुछ भी पकड़ के नहीं रखना है, जैसे कोई विचार, संवेदना, कल्पना इत्यादि किसी को जुड़ाव नहीं करना है। और अच्छी संवेदना से जो चिपकाव है वो लोभ और तृष्णा पैदा करता है और बुरी संवेदना से जो पलायन है वो द्वेष उत्पन्न करता है। और जो लोभ और द्वेष है ये समता के भाव के बाधक हैं। तो इस साधना का सार ये है कि कोई प्रतिक्रिया ना करें और शरीर की संवेदनाओं को तटस्थ भाव से निरीक्षण करें। सावधानी पूर्वक निरीक्षण से मन शरीर से जुड़ जाता है और आखिर में मन पूरी तरह से विचारों विकारों से मुक्त हो जाता है। तो ये इसकी बेसिक फिलॉसफी है। और ये धमालय, ये एसी एयर कंडीशन अतिथि गृह है और यहाँ पे रुकने की, जो बाहर से कोई आता है अतिथि, उसके रुकने की यहाँ पे व्यवस्था की जाती है और ये पेमेंट बेसिस पे इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये विशाल घंटा है, इसको बजाने से मान्यता है कि आपकी मान्यता पूरी होती है। और ये सामने जो है ये शॉप है जहाँ पे कि इससे रिलेटेड आइटम्स आप परचेज कर सकते हैं, एंटीक शॉप है, सोवेनर आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और ये सामने जो है वो बर्मीज द्वार आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।